कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार सुबह से चल रही मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुबह तक 2 जवानों की शहादत की खबर थी, अब घायल हुए 3 और जवानों की भी मौत हो गई है। इस तरह ये आंकड़ा 5 हो गया, वहीं एक अन्य जवान घायल है। बता दें, सेना ने एक बयान में कहा है कि राजौरी सेक्टर के कंडी जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना पर संयुक्त अभियान चलाया गया था। शुक्रवार को लगभग 7:30 बजे खोजी दल ने गुफा में घुसे आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाया। तभी आतंकवादियों की ओर से किए गए विस्फोट में स्पेशल फोर्स से जुड़े 2 जवान शहीद हो गए, जबकि मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 4 अन्य घायल हो गए थे। खबरों के अनुसार आतंकवादियों का एक समूह इलाके में फंसा हुआ है, वहीं कुछ आतंकियों के मारे जाने का भी अनुमान है। फिलहाल इलाके में ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा के लिहाज से जिले में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। बता दें, खराब मौसम और लगातार बारिश के बीच यह मुठभेड़ राजौरी जिले के घने जंगलों वाले कंडी इलाके में हो रही है। जम्मू क्षेत्र में भाटा धुरियन के तोता गली इलाके में आतंकियों ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसके बाद इलाके में छुपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक घाटी में अभी 50 सक्रिय आतंकी, 20 से 24 विदेशी आतंकी और 30 से 35 आतंकी स्थानीय हैं। वहीं घाटी में लगातार चारों तरफ से आतंक के इकोसिस्टम को घेर कर कार्रवाई हो रही है, चाहे वह पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो या अलगावादी फाइनेंसरों पर कार्रवाई हो या सीमा पार से ड्रोन के जरिए आने वाले हथियारों को जब्त करने की कार्रवाई हो। फिलहाल देखना होगा कब जाकर घाटी में छिपे आतंकी सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।